नमस्ते फ्रेंड, मीनास किचन में आपको स्वागत है। गर्मी का मौसम है, आज बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैंने आज घर में लाए हुए फलों से मैं जूस बनाने जा रही हूँ। घर में अनार पड़ा हुआ था, मौसम पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने आज सोचा आज गर्मी है, बच्चों के लिए सभी के लिए मैं जूस तैयार कर दूँ। सब तो अच्छी तरह से ठंडा ठंडा उनको जूस पिला दो। चलिए अनार के जूस बनाने शुरू करते हैं। हमें अनार के जूस बनाने के लिए सामान चाहिए। अनार जूस में डालने के लिए सेंधा नमक यानी कि काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चीनी और जूस का थोड़ा सा पानी। सबसे पहले अनार को अनार दाना निकाल लेते हैं, उसको छील लेते हैं। हमने अनार छील लिया है। एक मौसमी था, वो भी डाल लेते हैं। चलिए अनार के जूस बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर मिक्सर में अनार को डाल देते हैं, हल्का पीसना है क्योंकि बीज है उसको नहीं पीसना है, सिर्फ रस निकालना है। हम मौसम में भी इसमें इसमें अपना स्वाद अनुसार चीनी डाल लेते हैं। चार अनार है, एक मौसमी, पांच जन का जूस आसान से बन जाता है। थोड़ा सा काला नमक यानी कि बीट लवण, काली नमक लगाने से जूस का स्वाद और अच्छा तरह से बढ़ता है। थोड़ा सा काली मिर्च हाफ चम्मच और हमें पानी भी थोड़ा सा डालना है। हो गया है, हम इसको काट लेते हैं। इस तरह से आफ्टर हमने इसको एक्ना है। हमने अनार जूस को पीसकर छान लिया है, अब इसे ग्लास में डालते हैं। हमारा अनार के जूस तैयार है, आप भी ट्राई कीजिए। मैंने घर में पड़ा हुआ अनार मौसमी इसी से बनाया हुआ है। गर्मी में इसका जूस बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट होता है, तो आप भी ट्राई कीजिए। अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, जूस बनाकर पीकर। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।